हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इथिकल हैकिंग से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट बताने वाला हूँ, जिसे आप किसी भी नंबर से किसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। वो कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसका IPS एड्रेस क्या है, ये सब आप है वो ट्रैक कर सकते हो ओनली एक नंबर से। कैसे, तो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको यही बताने वाला हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसका गलत उपयोग न करें। यदि आप इसका गलत उपयोग करते हो तो इसका जिम्मेदार है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और आप IPS एड्रेस के साथ साथ उन्हीं नंबरों की मदद से आप उनकी लोकेशन है वो ट्रैक कर सकते हो। हाँ, एकदम परफेक्ट लोकेशन नहीं बताएगी, लेकिन आसपास की जो लोकेशन होती है उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको लोकेशन बताई देगी। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये बेसिकली सिर्फ सभी पब्लिक के लिए है, आम पब्लिक इसको यूज़ कर सकती है, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और उस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। और विक्टिम को आपको कैसे सेंड करना है, क्या करना है, वो सारा मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जाके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर के अंदर ग्रीपिफाई IP लॉगर नाम से सर्च करना है, और सबसे पहले जो आपको वेबसाइट मिलेगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसको ओपन कर पाते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक लिंक है वो जनरेट करना है। तो कोई सा भी आप वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, सपोज मैं यूट्यूब से मेरा कोई भी एक वीडियो है उसका लिंक है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। जैसे इस वीडियो का लिंक है वो मैं यहाँ से कॉपी करके और इस पर यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट यहाँ पे URL पे क्लिक करना है और एग्री हो जाना है। अब आपको कुछ ये ऑप्शन मांग रहा है, तो इससे आपको जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको आप वो सेलेक्ट कर लेना और चेक कर लेना। तो अभी सही नहीं हुआ है, सही होगी। अब ये पेज है वो लोडेड हो गया और हमारे पास एक नया URL है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल जो अपना URL है वो तो ये था और अब जो हमें इस वेबसाइट से क्रिएट हुआ है वो ये है। जैसे कुछ लोगों को पता होता है, जैसे आप किसी को ये लिंक सेंड करोगे यहाँ से कॉपी करके और सामने वाले को पता चल जाए कि ये वेरीफाई लॉगर का है वो आप लिंक है वो सेंड कर रहे हो, तब यहाँ से आप डोमेन नेम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप कुछ भी वो चेंज कर सकते हो ताकि सामने वाला है वो कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मैं इससे आपको चेंज करके नहीं बता रहा, बारीक होता है ये वाला ऑप्शन है आपको स्मार्ट लॉगर, इसको आपको ओपन रखना है और ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है। तो मैंने लिंक कॉपी कर लिया। इस लिंक को आपको ऐसे बंदे को भेजना है जिसकी आप लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो, IPS एड्रेस ट्रैक करना चाहते हो, उसको आपको लिंक वो सेंड करना है। और जैसे आपने वो लिंक सेंड किया वो ओपन कर लेता है, तब क्या होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको एक फॉर डेमो चेक करा देता हूँ। मैं ये लिंक अपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगा और आपको चेक कराऊँगा कि मेरी लोकेशन क्या है और IPS एड्रेस क्या है, सारी डिटेल बता देगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग खुद आपको चेक कराऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ क्या है, लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। पर ध्यान रहे, मैं अभी भी बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। तो मैंने ये लिंक अपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया है, अब मैं इसको ओपन करूँगा
फ़ोन के अंदर मैंने लिंक भेजा है, उस लिंक को मैं ओपन करूँगा अपने फ़ोन के अंदर। बस कुछ नहीं करना, उस लिंक को एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप फ़ोन चाहे बंद करो चाहे कुछ भी करो, बस वहाँ पे आएगा चेकिंग ब्राउज़र और मेरा वीडियो है वो प्ले होगा। ऐसी बात नहीं यूट्यूब वाला मेरा वीडियो प्ले नहीं होगा, वीडियो भी प्ले होगा, लेकिन वो एक URL है वो क्रिएट हो जाता है और सामने वाला बंदा ओपन करके आपका वीडियो ही प्ले करेगा। अब मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट से सिंपली यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि जो URL मैंने सेंड किया था वो कैसे ओपन हुआ, वो मैं वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, नीचे देखो सारी डिटेल्स है वो सब की सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे रिलायंस जियो सिम में वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राजस्थान जयपुर इंडिया, और इसकी सारी जो डिटेल्स है वो आ गई है। वीवो 1818 प्रो वर्जन है, ये सारी की सारी डिटेल्स है वो आपके सामने है, वो यहाँ पे आ चुकी है। और लोकेशन भी लगभग जहाँ की लोकेशन है वहाँ की लोकेशन लगभग आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन के अंदर दिखाता हूँ, तो मुझे पूरी की पूरी लगभग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे निकल के आ गई है जो आप देख पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस IPS एड्रेस को है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो ये IPS एड्रेस है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसमें भी आप मोर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, सारा का सारा है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, आप सिर्फ एक नंबर से वो लोकेशन है वो चेक कर सकते हो। अब आपको सिंपली क्या करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और ये वेबसाइट पब्लिक है, आप कोई भी चेक कर सकता है इस वेबसाइट पे। अब मैं IPS एड्रेस को आपको चेक कराता हूँ, एक नई वेबसाइट है वो ओपन करके। तो मैं यहाँ से क्रिएट पेज करता हूँ और यहाँ पे आपको IPS एड्रेस है वो चेक कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं IPS एड्रेस से। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो सिंपली आपको सर्च करना है IP लुकअप, और आपको सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे आपका जो IPS एड्रेस है वो डालना, जो मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ पे वो IPS एड्रेस डालूँगा और गेट अप डिटेल IPS एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स है वो आपके सामने आ चुकी है पूरी IPS एड्रेस की। तो यहाँ तक कि आपको नीचे मैप के अंदर लोकेशन भी है वो मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको जो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उसके जो कोड है वो सारे सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल सब कुछ मिल जाएगा जो आपको इस IPS एड्रेस के अंदर IP एड्रेस के अंदर शो हो रहा है। तो ये साइट है वो पब्लिक है, ये कोई गैरकानूनी नहीं है, लेकिन ये सारी वेबसाइट हैं वो पब्लिक वेबसाइट है, आप भी इन्हें यूज वो कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको नॉलेज मिल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। दोस्तों मैंने जो ये लिंक सेंड किया है वो ये लिंक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तभी वीडियो है वो ओपन होगा जो मैंने भेजा है। तो इससे मोस्टली पता नहीं चलता है कि आपने क्या लिंक भेजा है, बस ये सिस्टम आएगा आपके पास, चेकिंग ब्राउजर बिफोर एक्सेसरी द वेबसाइट, तो बस ये डिटेक्ट होगा, उसके बाद में तुरंत वो अपना वीडियो वो प्ले हो जाएगा, जिससे सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने एक्चुअल में लिंक भेजा किस चीज़ का था। और इससे ईजिली हम लोग वो IPS एड्रेस वगैरह है वो ट्रैक, इसे ईजिली हम लोग IPS एड्रेस है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के नंबरों से IPS एड्रेस और उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, वो कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स है वो इस वेबसाइट से आप जान सकते हो। बाकी कुछ बातें और भी इस वेबसाइट से रह गई है जो मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं बता पाया हूँ, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे, मैं आपको रिप्लाई है वो तुरंत दूंगा।
तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और अंत में भी मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसका गलत उपयोग है वो बिल्कुल भी न करें।